And now we start part number 2. Show the following numerals on the abacus. अब आपको क्या करना है, पहले पार्ट में तो हमें एबकस गिवन था और एबकस के अंदर बीट्स गिवन थे, उन बीट्स को काउंट करते हुए आपको अपना न्यूमरल्स और नंबर नेम राइट करना था, ओके। बट अब इसमें क्या करना है, उसका फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल अपोजिट है ये पार्ट। आपने करना क्या है, इसमें आपको एबकस गिवन तो है बट उसमें देखो एम्प्टी है, इसमें क्या है, कोई भी बीट्स गिवन आपको नहीं है। तो क्या करना है आपको, नंबर्स आपको गिवन है, आप जो नंबर है, जिस नंबर को आपने इसमें शो करना है उसको, ये नंबर को आपने मतलब इसके अंदर शो करना है। शो कैसे करोगे, बीट्स के साथ, ठीक है। तो कैसे, देखो पहले हम इसके ऊपर अपने प्लेस वैल्यू को राइट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड दिस थाउजेंड। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे वंस प्लेस में कितना नंबर गिवन है आपको, नाइन। तो हम वंस नंबर, वंस का जो हमारा प्लेस है वो यहाँ पर है, तो अब क्या करेंगे, वंस पर हमारे पास जब नंबर नाइन है तो हम वंस पर नाइन बीट्स को राइट करेंगे, ओके। कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ओके। अब टेंस का नंबर है, देखो टेंस में क्या है, टू है, तो आप टेंस में कितने बीट्स को शो करोगे, टू, वन टू एंड नेक्स्ट हंड्रेड, हंड्रेड में क्या है, सिक्स, सिक्स आप इसके अंदर सिक्स बीट्स शो कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। नेक्स्ट इज थाउजेंड प्लेस एंड द नंबर इज टू, तो हम इसमें कितने इसमें बीट्स को शो करेंगे, ओनली टू, वन एंड टू, ओके कंप्लीट। तो इसमें बस इतना ही करना था, क्या करना है आपको, नंबर गिवन है, न्यूमरल्स जो है वो आपको गिवन होगा, आपको एबकस भी गिवन होगा, तो आपको एबकस के अंदर अपने इस न्यूमरल को वन बाय वन बीट्स को शो करना है, ओके। पूरा नंबर इस तरह से करना है कि पूरा उस एबकस को इस तरह से फिल करना है कि वो एबकस इस न्यूमरल को शो करता हो, ओके। इन द सेम वे द सेकेंड पार्ट बी, इसमें हमको नंबर गिवन है वो है 1306, ठीक है। बोलेंगे क्या इसे हम, 1306, आपको एबकस जो है वो आपको गिवन है और अब आपको इस एबकस के अंदर इस न्यूमरल को शो करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू राइट हेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर एंड लेट्स वी स्टार्ट। वंस में आपको गिवन है सिक्स, तो आप यहाँ पे सिक्स को शो करोगे, सिक्स बीट्स को, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। एंड टेंस में आपको ज़ीरो, ध्यान से देखिएगा, टेंस में आपको कोई भी नंबर गिवन नहीं है, इसमें क्या है, ज़ीरो है, तो आप ये नहीं है कि इसमें ज़ीरो शो करोगे, ज़ीरो को तो हम शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि जिसमें ज़ीरो होता है उसे हम स्किप कर देंगे, उसमें हम कुछ भी शो नहीं करेंगे, तो इसमें हम कुछ एक भी बीट्स को शो नहीं करेंगे। हंड्रेड, हंड्रेड में क्या नंबर है, थ्री, तो हम इसमें कितने बीट्स शो करेंगे, थ्री, वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट इज थाउजेंड, थाउजेंड में नंबर है आपके पास वन, तो आप कितने इसमें शो करोगे बीट्स, ओनली वन, तो हुआ ना थाउजेंड में वन, हंड्रेड में थ्री, टेंस में कोई भी नहीं है, तो वंस में आपके पास सिक्स है, तो आप इसे क्या बोलोगे, 1300, टेंस में नहीं है तो उसे स्किप कर दो एंड सिक्स, तो क्या बोलेंगे, 1306, ओके दैट्स इजी। एंड द पार्ट नंबर थ्री क्या कहता है आपको, कहता है कि राइट द मिसिंग डिजिट्स, राइट द मिसिंग डिजिट्स। राइट द मिसिंग डिजिट्स में हम क्या करेंगे, इसमें आपको नंबर गिवन है, अब नंबर गिवन है साथ में प्लेस वैल्यू भी गिवन है, प्लेस वैल्यू के साथ में आपको इन नंबर्स को बस पुट करना है। कैसे, ध्यान देखते हुए कि देखो इसमें कुछ नंबर तो ऐसे हैं जो आपको गिवन है, जैसे इसमें अगर हम देखते हैं तो एट, इसमें आपको एट यहाँ वंस के प्लेस पर गिवन है, वहाँ पे थाउजेंड पे आपको सिक्स गिवन है, और नेक्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे सेवन वंस प्लेस पर गिवन है, और फोर थ्री सेवन फाइव वाले नंबर के अंदर आपको क्या है कि हंड्रेड पे थ्री नंबर गिवन है और फाइव भी गिवन है, बट कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो मिस हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो मिस हैं, तो आप क्या करोगे, उनको बस यहाँ पर राइट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको ध्यान से देखेंगे, देखो पहले हम यहाँ अपनी इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे, वंस टेंस हंड्रेड एंड दिस थाउजेंड। अब हम लिखते हैं, देखो स्टार्टिंग से ही यहाँ से देख लेते हैं, थाउजेंड में सिक्स है, राइट डाउन है ऑलरेडी, अब हमने क्या देखना है, हंड्रेड में नाइन है, तो हंड्रेड की प्लेस पर क्या आ जाएगा, नाइन, टेंस में क्या है, ज़ीरो, तो आप इधर लिख दोगे ज़ीरो, कंप्लीट।
एंड नेक्स्ट इज सेवन, थाउजेंड में है सेवन हमारे पास, तो थाउजेंड की प्लेस पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेवन। हंड्रेड में जीरो है, टेंस में भी जीरो है, तो आप हंड्रेड में भी जीरो राइट कर दो और टेंस में भी जीरो को राइट कर दोगे। ओके, एंड द सी पार्ट, इसमें क्या करोगे, थाउजेंड, थाउजेंड के प्लेस पर देखो ये है आपका थाउजेंड प्लेस, ये है हंड्रेड और ये है टेंस और ये है वंस, तो थाउजेंड के प्लेस पर आपके पास फोर गिवन है, तो आप यहाँ पे फोर राइट करोगे। एंड थ्री तो ऑलरेडी राइट है ही, आपको टेंस में कुछ नहीं गिवन, तो आप क्या लिखोगे, सेवन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेवन है। और फाइव तो ऑलरेडी राइट किया हुआ है, तो इस तरह से आपको आपका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट राइट करना था। तो आज हमने बच्चों अपने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने आज अपने वीडियो में सीखा कि हम न्यूमरल्स और नंबर नेम को एबकस को यूज़ करते हुए इजी वे में कैसे करेंगे, और फिर हमने देखा कि न्यूमरल्स और अगर हमें गिवन होगा और एबकस भी गिवन होगा तो हम उसको एबकस के अंदर कैसे शो करेंगे, और फिर हमने मिसिंग नंबर को पुट आउट करना सीखा। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, एंड दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू।